छोटे से कंडारी को ना अभी नींद आ रखी है। नींद पानी नींद बुड्डी दुई बुड्डी हला बुड्डी ओ बुड्डी हला उठ जा भाई इधर का या बोल हेलो कैसे हो कैसे हो ऐसे बोल खान इसके लिए बोलते हमारे नियार हाँ अब क्या हमने ना रात का खाना वगैरह भी बना लिया है और मम्मी लगी हुई है यहाँ पे भूखना भूनने पे। सबसे पहले मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं सुषमा कंडारी देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। एक नई दिन नई शुरुआत के साथ एक नई ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं सुबह के 9:30 बजे से और अभी बगुलामुखी के मंदिर से माँ बगुलामुखी का आशीर्वाद सब पे बना रहे। और अभी हम जा रहे हैं गुत्तू मार्केट, कुछ काम है सामान लेने के लिए। तो अभी मम्मी तो आगे निकल चुकी हैं और यहाँ पे मैंने सोचा मैं आज माँ बगुलामुखी के दरबार से अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग करती हूँ। तो अभी चलते हैं और आगे का व्यू वगैरह भी दिखाते हैं। अभी तो मौसम ठीक ही है, बादल तो लग ही रहे पर अभी देखते हैं कि शाम तक कैसे रहता है मौसम। तो जब भी मैं गुत्तू आती हूँ तो यहाँ पे वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। तो माँ बगुलामुखी का आशीर्वाद सब पे बना रहे। और अभी मंदिर के अंदर तो जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बाहर से हमने नमस्ते वगैरह कर लिया है। और सुबह का मतलब व्यू देख सकते हो आप यहाँ का कितना मस्त लग रहा है। ये रहा परेभिलंग। तो अभी ना हम घर में पहुँच चुके हैं और गुत्तू में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, मतलब एक काम दूसरा काम तीसरा काम, मतलब काम ही काम हो रहे थे, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो बनाने का। तो अभी हम पहुँच चुके हैं घर में, मम्मी तो आ रही है, मैं पहुँच चुकी हूँ। और हमने ना आज हमारे गाँव में दीपक का जो बेटा हुआ है ना उसका नामकरण है। तो वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन दीपक न्यू बॉर्न बेबी। और उसके लिए हम एक छोटा सा गिफ्ट लेके आए हैं, तो इसलिए भी हम गुत्तू गए थे। और मम्मी को जाना था बैंक में, तो बैंक में गए, पैसे निकाले, फिर सब्जी वगैरह लेके आए जो गिफ्ट वगैरह लेना था। तो इस पे रखा है हमने छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से। तो ये रहा गिफ्ट, तो हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है। तो अभी हमने ला रखी है चाउमीन, मतलब तो गुत्तू में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। यहाँ पे नूडल्स वगैरह ला रखे हैं, समोसे वगैरह ला रखे हैं, तो अभी खाते हैं। इनका खाना वगैरह है तो उनके घर में जिनके यहाँ बच्चे का नाम कराना है, तो अभी चाउमीन वगैरह खाते हैं। उसके हम आ चुके हैं रोटी बनाने के लिए। जिस प्रकार से इन्होंने बना रखा है, इतना ज्यादा धुआं हो रहा है, यहाँ देखो। और यहाँ पे आ रहे हैं जी है, यहाँ देखो ये कोई चाय पी रहे हैं, यहाँ देखो। तो सबसे पहले अभी रोटी वगैरह बनाते हैं और हम तो अभी धुआं हो रहा है यार बहुत ज्यादा। बड़ों का नहीं चाहिए रोटी है ब्रीदे। तो आपको ना बेबी से थोड़ी देर में मिलाते हैं क्योंकि मैंने भी अभी तक देखा नहीं है, 17-18 दिन हो गए। तो आज उसका नामकरण भी है, तो उसकी उसके पेरेंट्स से पूछते हैं कि क्या रखा है उन्होंने नाम, क्या रखा है उन्होंने कपड़ा। मास तुम लगना था बितर गए तुम तो ये बनोने भाभी आ छपा रहे ये भाभी तो यहाँ छपा रही बनो ना मुझ गौ चो मैं यहाँ देखो इतना सा छोटा बना रखा है इन्होंने, इसमें इतना ज्यादा धुआं हो रहा है, ये पूरा लकड़ी से बना रखा है। और यहाँ पे हमारी दूसरी भाभी जी भी है यहाँ देखो कैसे हो कैसे हो ऐसे बोल खाना खा लिया आपने? इधर देखना वहाँ देख, मार रहे हो तेरे को वहाँ देख रहे हो ऐसे वो खाना खा लिया बस इतना बोल खाना खा लिया आपने यो आप ना अब ये मार खाएगा। इधर देख, इधर देखना हेलो बुआ कैसे हो खाना खा लिया आपने? बस यही वाला वाला नहीं बोल रहा है ये खाना खा लिया आपने ऐसे बोल आज हम ना
आज हम ना भुल्ले के नामकरण में आ रखे हैं। नामकरण इसका छोटा बोला, ये देख ला, छोटे भुल्ले के नामकरण में आ रखे ना। हम खाएंगे रोटी, क्या खाएंगे? रोटी, मटर पनीर भी खाएगा? मटर पनीर खाएगा। हाँ खाएगा ना। और क्या क्या खाएगा? कौन कौन सी चीजें खाएगा? नाम बोल भाई। पाप कौन पर देख भाई? यहाँ देख लो, यहाँ है। ये किसान लड़का है, बहुत ही किसान है। यहाँ देखो, इस पे यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये देखिए। भुआजी प्रणाम, पहले भुआजी प्रणाम, प्रणाम कर दे बाबा। अच्छा, अभी हमने ना रोटी वगैरह बना ली है और अभी लगे हुए हैं यहाँ पे खाने। हम बेबी को देखने आ रखे हैं, छोटा सा बेबी है और ये हमारी तरफ से, चलो हटो, लो भाई, ये हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट बेबी के लिए। हाय, यहाँ देखो सो रखा है अभी, यहाँ देखो। छोटे से कंडारी को ना अभी नींद आ रखी है। अला बुड्डी, ये देख, मैं बुड्डी बन गई, मैं बुड्डी बन गई इसकी। हाँ मैं बुड्डी हूँ। अरे यार सो रखा है इस टाइम पे। उठ ला अला, ओ बुड्डी बुड्डी। तो ये इसकी मम्मी जी है, ये मेरी माता श्री है, ये तुम्हारा माँ चन क्या बारीक ना, तो बारी के माँ तो बोलो ना। अच्छा तो ये ताई जी है, भाभी जी है, चाची जी है, सब आ रखे ना। छोटे से बच्चे को देखने आ रखे यहाँ पे, यहाँ देखो। ओ बुड्डी खड़ा उठ जा भाई, ओ बुड्डी उठ उठ। हाँ आप खोले इसने आंखें, यहाँ देखो, उठ 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 उठ, देख लो यार। तो अभी आ चुके हैं हम छोटे से बेबी को देख के, और उसका नाम उन्होंने रखा है दिव्यांशु या कपिल। कपिल तो उसका राशि का नाम है, तो पता नहीं जो उनको अच्छा लगेगा। वैसे दोनों नाम बहुत ही मस्त हैं। तो अब शाम के टाइम हो चुका है और अभी मम्मी और मैं जा रहे हैं खेतों में पौधे की लवाई करने के लिए, और वहीं से घास वगैरह भी लेके आएंगे। तो देखते हैं अभी कितना, अभी तो लगभग सुबह के नहीं, दिन के लगभग 4 बज चुके हैं। तो अभी चलते हैं और ऊपर में दिखाते हैं। तो यहाँ पे ना भाभी भी लगी हुई है न्यार बांधने पे। अब इस वाले पेड़ में लगाएं, हमारे यहाँ ना कुछ इस प्रकार से लगाते हैं न्यार को। तो अभी मैं ऊपर चलती हूँ, ऊपर वाले लोगों को भी बताती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे दूसरी वाली भाभी लोग भी लगे हुए हैं और एक भाभी ऊपर पेड़ में चढ़ी हुई है। और हमारे यहाँ ना कुछ इस प्रकार से न्यार को सुखाया जाता है, और यहाँ देखो मतलब इस टाइप से दिया जाता है। क्या जी प्रीति बोनी की इसके लिए बोलते हैं हमारे नियार। इसके लिए हमारे परा बोलते हैं। हाँ अब क्या जेड़ो है, हम तुम्हारी परा बोल, हमारे नियारे बोल नहीं। वही तो यार, नीचे से बता आवाज आ रही पर आप दिखाई नहीं दे रहे हो। हाँ वीडियो बनाओ मैं तक हूँ नहीं। तो यहाँ देखो अभी चलते हैं, हम भी जाना बाबू बुबू। ओ बुबू अभी हम ना इस वाले खेत में कोदे की लवाई करेंगे और मम्मी घास काटेगी, मैं कोदे की लवाई करूँगी। और इस वाले खेत में ना कोदा कम और पिनालू ज़्यादा है। यहाँ देखो पूरे खेत में पिनालू पिनालू है, और मम्मी ने इस वाले खेत में मक्का वगैरह भी बो रखा है। तो मक्के तो हो नहीं रखे, छोटे छोटे हो रखे हैं। यहाँ देखो तो यहाँ पूरे ना पिनालू ही हो रखे हैं। तो अभी हमारा यही वाला खेत है और थोड़ा सा ऊपर बसता है, तो फिर हमारे खेत में कोदे की लवाई भी ख़त्म होने वाली है। तो अभी करते हैं इसकी लवाई अच्छे से। ना मैं पहुंच चुकी हूं घर में, और मम्मी ने यहां पे बहुत सारे पिनालू के पत्ते ला रखे हैं, तो इनके अभी पत्तियोड़ वगैरह बनाते हैं। यहां पे कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, तो सबसे पहले इनके पत्तियोड़ बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारे यहां किस टाइप से बनाए जाते हैं पत्ते।
मैंने यहाँ पे ना आटा भी निकाल दिया है और इसमें मिर्ची मसाला सारा मिक्स कर दूंगी। और यहाँ पे ना इस पे मैंने रखी हुई है लकड़ी, क्योंकि जलने की डर से ना ये लकड़ी वगैरह रखते हैं नीचे से, तो इसमें पानी वगैरह डालना है एक गिलास। तो सबसे पहले अभी इसमें वो मतलब इसको पूरा मिक्स कर लेते हैं। तो अभी हमने ना रात का खाना वगैरह भी बना लिया है और मम्मी लगी हुई है यहाँ पे भुखना भूनने पे। यहाँ देखो मम्मी ने ये तसला रखा हुआ है और इस पे भुखने वगैरह भूनेंगे, क्योंकि अभी हमने ये भुखने कल सुबह कूटने हैं और जो श्राद्ध आने वाले ना तो उसके लिए हम अलग रख देंगे। तो मम्मी अभी ये वाला काम कर दी, इसके बाद हम करते हैं रात का डिनर। तो हमने एक लोटा मट्ठा का ला रखा था, जिसको हमारे यहाँ ज़्यादातर हम खांसी बोलते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने इसको एक पॉलीथीन में डाला और इससे मतलब पूरा जो पानी वगैरह था ना वो सारा निकल चुका था। तो अभी मैं तो खा रही हूँ नमक डाल के, बहुत ही टेस्टी होता है ऐसे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना मट्ठे को, मतलब पानी के पानी निकाल के उसको खाना, बड़ा ही टेस्टी होता है। तो अभी रात का डिनर वगैरह कर लेते हैं और आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे एंड अपने चूल्हे पे, और मम्मी भी लगी हुई है। तो आज का ब्लॉग यदि आप लोगों को पसंद आता है लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।